इसराइल से युद्ध में अपनी हार के डर से हमास पहले भी बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले के लिए एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिससे एक बार में हजारों लोगों की जान जा सकती है। यह हथियार कोई रॉकेट नहीं, कोई मिसाइल भी नहीं, बल्कि रासायनिक हथियार हो सकता है। इसराइल के खिलाफ हमास का सबसे खतरनाक प्लान। इसराइल के हजारों लोगों की हत्या का हमास का मंसूबा। युद्ध की आग अगले कुछ दिनों में नया मोड़ ले सकती है। अब आतंकी संगठन हमास बौखलाहट में इसराइल पर हमले के लिए रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हमास के पास रासायनिक हथियार बनाने का दस्तावेज मिला है। ये दस्तावेज हमास के आतंकी के पास बरामद हुआ है। हमास के मारे गए एक आतंकी के पास से रासायनिक हथियार का मैनुअल मिला है। रासायनिक हथियार बनाने का मैनुअल एक पेन ड्राइव में मिला है जो मारे गए आतंकी के पास मौजूद था। इस मैनुअल में बताया गया है कि साइनाइड से हथियार कैसे बनाया जाए। हमास आतंकी के पास से कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला है, लेकिन यह अभी पुख्ता नहीं हो पाया है कि हमास ने साइनाइड से रासायनिक हथियार बना लिए हैं या नहीं। जिस तरह से रासायनिक हथियार मिलने के बाद दस्तावेज में लिखी है, वैसा ही केमिकल वेपन एक समय में आतंकी संगठन अलकायदा के पास हुआ करता था। It's Al Qaeda material, official Al Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. सवाल है कि क्या अल कायदा की ओर से हमास को रासायनिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, या फिर हमास की मदद कोई ऐसा देश कर रहा है जो इसराइल का दुश्मन हो। हमास आतंकी के पास से रासायनिक हथियार बनाने का दिशा निर्देश मिलने से अब इसराइल के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। इस बीच इसराइल की पुलिस ने हमास के दो लड़ाकों का वीडियो कबूलनामा जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास हुए हमले के दौरान पकड़ा गया था। बाद में उनसे पूछताछ की गई। इसराइल ने जो वीडियो जारी किया है उसके मुताबिक हमास के दो लड़ाकों ने माना है कि उन्हें मर्दों को मारने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने का निर्देश दिया गया था। التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال हमास के लड़ाकों ने इजरायली पुलिस और खुफिया विभाग की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बंधकों को अगवा करने के बदले उन्हें मकान और पैसे इनाम में देने का वायदा किया गया था। इजरायल के मुताबिक हमास के कई इलाके अभी भी उनके कब्जे में हैं। हमास के आतंकी कमांडर के खात्मे का सिलसिला इसराइल ने रोका नहीं है। आज इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया एजेंसी शिनबेट की निशानदेही पर हमास के तीन आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें अब्दुल अर्रहमान, नुजीरत बटालियन का डिप्टी कमांडर, शाथी बटालियन का डिप्टी कमांडर खलील महजाज, शेख रदवान बल्दियन का डिप्टी कमांडर खलील तेथारी शामिल है। इसराइल ने अब तक हमास के एक दर्जन से ज्यादा आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया है। हमास के पास इसराइल के 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से कहा है कि इसराइल गाजा पर हवाई हमले करना बंद कर देगा और युद्ध विराम के लिए राजी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा कर दे। ये बात बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। We should have a ceasefire.
लेकिन कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के नेता खालिद मशाल ने स्काई न्यूज को दी इंटरव्यू में साफ कहा कि हमास सभी बंदकों को रिहा कर देगा अगर इसराइल हमले बंद कर दे। إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيين حريصين، فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها، قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب اللي ترتكب كل يوم، انظر أمس. وهي أمريكي أخبار، وول ستريت جورنال کی رپورٹ کے مطابق 50 विदेशी बंदरों की रिहाई के लिए बातचीत नाकाम हो गई है क्योंकि हमास ने गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की है। אנחנו מנהלים מאמצים אזרחים, נפצעים, מודיעינים, מסביב לשעון. לנגד עינינו רק דבר אחד, התמונות, הפנים. חמאס בנדקון כו ריחה קרנקי, בלי דיל צעתה. ג'ב כאיזרואל, חמאס כו כיסי בקיימת פר, בקשי נגמוד בנהי. איזה מביא בנדק סנקל, חת מונגי גונג'איש, כמי. בין רפורט, זימידיה.